जहां तक के एक सवाल होता है वोट देने का, वोट देने का एक सवाल होता है, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से वो वोट दी जाती है। जो बेस्ट मैन है आपके लिए उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, आप उसके लिए वोट दीजिए। आपके लिए कौन है बेस्ट मैन यहां पर? आपके लिए मोदी है, आपके लिए मोदी साहब यहां पर है बेस्ट मैन। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है बांद्रा, जहां पर मेरा कर्तव्य होता है कि मैं जाके वोट दूं, वहां पर वो हैं बाबा सिद्दीकी और प्रियदत्त। तो यू हैव टू गिव मोदी साहब द वोट, आई हैव टू गिव माई पीपल द वोट। आई नो के छोटा 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 करके बड़ा 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 होता जाएगा। मुंबई में बाबा सिद्दीकी को गोली लगने के बाद अस्पताल पहुंचने वाली हस्तियों में सलमान खान सबसे आगे थे। सलमान खान और बाबा सिद्दीकी के बीच दोस्ती बहुत पुरानी थी और इसका सबूत है ये वीडियो। करीब 10 साल पहले पीएम मोदी जब गुजरात के सीएम थे, उस वक्त सलमान खान उनसे मिलने अहमदाबाद गए थे। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की थी और साथ ही मीडिया से बातचीत की थी। बातचीत के दौरान सलमान खान ने बाबा सिद्दीकी को सपोर्ट किया था। इतना ही नहीं, सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और उन्हें सुरक्षा के मद्देनजर सिद्दीकी की अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए भी मना किया गया था। लेकिन फिर भी वो सिद्दीकी की अंतिम विदाई में शामिल हुए थे और इस दौरान वो बेहद दुखी दिखे और उनकी आंखें भी नम दिखी। ये तस्वीर साफ दर्शाती है कि सलमान खान और सिद्दीकी एक दूसरे के बेहद करीबी दोस्त थे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।